हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग खोटा लाए हैं। खोटा से संबंधित खोटा साहित्य पढ़ना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथ दशम जी राज के बारे में जानना है और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में जानना है, जो हर एक एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। झारखंड में रीजनल लैंग्वेज में पूछा जाता है खोटा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, और खोटा भाषी क्षेत्रों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि इनके द्वारा इनके जीवन परिचय को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जीवन परिचय इनका, इनका जीवन परिचय थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए इनके जीवन परिचय में देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1943 को कतरासगढ़ धनबाद में, कतरासगढ़ धनबाद। मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 2009। इनका पिता का नाम सुखराम दसौंधी, इनके पिता का नाम सुखराम दसौंधी था। चलिए अब इनकी पुस्तक के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से पुस्तक इन्होंने लिखा, जो काफी महत्वपूर्ण है झारखंड टेट के लिए और झारखंड टेट के अलावे झारखंड में जो भी एग्जाम होते हैं और जिस एग्जाम में रीजनल लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, करीब करीब सभी में पूछे जाते हैं, तो उनकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पुस्तक इन्होंने लिखा था ढलती शाम का सूरज, ढलती शाम का सूरज। ढलती शाम का सूरज ये था क्या? हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास था। प्रकाशित कहां से हुआ था? आगरा से। पहले पुस्तक के बाद दूसरा पुस्तक देखेंगे, वेदना के पंख। वेदना का पंख ये क्या था? हिंदी कविता। हिंदी कविता। तीसरा, तितकी पत्रिका, तितकी मासिक पत्रिका। का प्रकाशन किए। तितकी पत्रिका तो श्रीनिवास पानूरी जी का है ना, उन्होंने शुरुआत किया था इसके बाद इसका। लेकिन यहाँ पर दूसरी बार इन्होंने शुरू किया तितकी पत्रिका 1977 में। आगे देख लेते हैं कि इसके बाद भगजोगनी ये उपन्यास था, और भगजोगनी का पिता कुदरा अभी देख लेते हैं, मिटाते हैं इसे। भगजुगनी का भी देख लीजिए, भगजुगनी की नायिका नायिका होता है फ्रेंड्स कोटा में, भगजोगनी। और देख लेते हैं पांचवें नंबर में, अजगर। अजगर क्या है? तो नाटक। छठे क्वेश्चन देख लेते हैं, घुईर मुंडरी
बेलतर, ये क्या है? लघु कथा। पुट्टूस और परास, पुट्टूस और परास। एक और बच गया, माटिक पुथायली। पुट्टू सरपरास क्या है? कविता है। और ये कहानी है। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको मिटाने के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इनकी जो कृति है, इनके द्वारा जो लिखे गए पुस्तक है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कौन है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। खोटा कवि है विश्वनाथ दसौंधी राज, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो थोड़ा ध्यान से समझिए और नोट कर लीजिए, इसको नोट करके इसको याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहीं आप जाइएगा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने लिखा था पुस्तक, तो ढलती शाम का सूरज, ये उपन्यास लिखा था इन्होंने, हिंदी उपन्यास लिखा था सबसे पहला। इसका जो प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो आगरा से। इनके द्वारा लिखा गया ये पहला उपन्यास था। कभी कभी पूछ लेता है कि विश्वनाथ दसौंधी राज द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास कौन है, तो याद रखिएगा ढलती शाम का सूरज, ये इनके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास था। ठीक ना, समझ गया ना। दूसरे में जो है वेदना का पंख, वेदना का पंख हिंदी कविता था, ये भी हिंदी में ही लिखा गया। इनका दो लगातार जो है हिंदी में लिखा गया, तो नाम से ही लग रहा है ना, वेदना का पंख, ऐसे हिंदी में तो हिंदी में लिखा गया वेदना का पंख कविता है, ये इनकी कृति है। तीसरे में तितकी पत्रिका है, मासिक पत्रिका, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तितकी कैसे पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है जो विश्वनाथ दसौंधी राज द्वारा प्रकाशित किया गया था 1977। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डेट भी है 1977 में इसका प्रकाशन किया गया था, तितकी पत्रिका था, तो ये मासिक पत्रिका है। ठीक है, आगे हम चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, भगजुगनी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है ये भगजुगनी। भगजुगनी है क्या? तो उपन्यास है। सबसे पहला यहीं पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक पॉइंट बनता है कि भगजुगनी है क्या, तो भगजुगनी उपन्यास है। ठीक है, और भगजुगनी उपन्यास में उसके पिता कौन है? तो कुद्रा है। देख लीजिए यहाँ पर उनके पिता कुद्रा, और भगजुगनी यहाँ पर लिखे ऊपर में, भगजुगनी का नायिका, नायिका कौन है? तो भगजुगनी ही है, भगजुगनी की नायिका भगजुगनी ही है। आगे देखते हैं पांचवें नंबर पे अजगर। अजगर भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, तो आप नाटक है एकदम रख लीजिए इसको, कि अजगर क्या है? नाटक है। किसने लिखा? तो विश्वनाथ दसौंधी राज की जो लिखी गई पुस्तक है वो अजगर, और वह है क्या? तो नाटक है। आगे देखिए घुईर मुंडरी बेलतर है ना, घुईर मुंडरी बेलतर, ये लघु कथा है, ये भी एग्जाम में आते हैं। सातवें नंबर पर पुटूस और परास, पुटूस और परास ये कविता है। आठवें नंबर पर है माटिक पुथैल, माटिक पुथैल क्या है? कवि कहानी है। ये माटिक पुथैल भी आपको JSSC के एग्जामों में आ चुका है, और आपके आने वाले जो परीक्षाएं हैं उसमें भी आने वाले हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको समझने की क्या आवश्यकता है? इसको याद करना है, सिंपल सी बात है, ज्यादा नहीं है, 10 है तो 10 आप याद कर लोगे, तो एक राइटर लगभग लगभग आपको फाइनल हो गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तेत्री याद महुआ, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। खोरठा साहित्य सम्मेलन, इन्होंने क्या किया? खोरठा
साहित्य सम्मेलन का गठन किया जिससे खोरठा भाषा में क्रांति आई। तेतरी याद महुआ, और इसके बारे में थोड़ा बताने पड़ेंगे कि है क्या कहानी, है कविता है, लेकिन आप ऐसे ही याद कर लो इसे कि तेतरी याद महुआ किसने लिखा, तो विश्वनाथ दसौंधी राज ने लिखा। और अंत में इसके जो मेन पॉइंट है वो खोरठा साहित्य सम्मेलन का गठन किया था जिससे क्या हुआ कि खोरठा भाषा में एक क्रांति उत्पन्न हुई, आंदोलन हुआ और खोरठा भाषा को एक तरह से बेहतर भाषा का जगह मिला और साहित्य पत्र पत्रिकाएं किताबें और बहुत सारी कहानी लिखी गई। तो आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से इसे पढ़ते हैं और इस भाषा का एक झारखंड में बहुत ही अच्छा स्थान है क्योंकि सबसे ज्यादा लगभग जिलों में बोली जाती है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद कर लेना होगा, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक बात कहना भूल गया कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। अब वीडियो बनाऊंगा और आने वाले दिनों में वीडियो और फास्ट करूंगा। आप तैयारी आप लोग थोड़ा स्लो कर दिए हैं जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा स्लो हो गया हूँ, आप स्लो मत होइए। और बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं सर सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में बताता हूँ, मैं सिलेबस के अनुसार ही बताता हूँ। सिलेबस 2016 2012 और 2019 JTET का सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, जो सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। मैंने जो 2019 का सिलेबस बताया है आपको मेरे चैनल पर जाके देखिए, सिलेबस प्लेलिस्ट में सिलेबस 2019 होगा, वही सिलेबस सेम टू सेम है। और विषय वर सिलेबस की बात करते हैं, चैप्टर वाइज की बात करते हैं तो काफी लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगा कि जिस विषय जो विषय में तैयारी करवाऊंगा, जो विषय का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक झलक दिखाने का। तो फिर फिलहाल आज तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल मिलते हैं कल आपको लोकसभा लेकर आता हूं, मैं लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन लेकर आता हूं क्योंकि मैं पार्ट 1 बना चुका हूं राज्यसभा, और लोकसभा से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी आपको मैं कल बताऊंगा। तो आज तक के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के लास्ट में आपको 2 वीडियो मिलेंगे तो स्क्रीन पर से भी आप देख सकते हैं वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।